ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ा ग्रही बदलाव होने वाला है। शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, 7 अप्रैल 2024 को शनिदेव राहु के नक्षत्र सत्विशा नक्षत्र को त्याग कर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और 3 अक्टूबर 2024 तक शनि गुरु के नक्षत्रों में प्रभावी रहने वाले हैं। इस समयावधि में शनिदेव गुरु के नक्षत्रों के सभी अवधारणाओं और गुणों को अपने अंदर समाहित करके 12 राशि वाले जातकों को परिणाम देने वाले हैं और सभी मानव जीवन के ऊपर, पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतुओं के ऊपर शनि का प्रभाव मिलने वाला है। गुरु के अधिपत्य नक्षत्र में प्रभावित शनि की प्रभाव की अवस्था कन्या राशि के जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देगी, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों, किन किन क्षेत्रों में शनि आपको शुभता देंगे और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो शनि है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपके लिए आपके पंचमेश यानी संतान भाव और आपके सिक्स हाउस यानी रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं और जो गुरु हैं वो आपके सुख भाव और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं। और कन्या राशि वाले जातकों, जो शनि देव हैं वो मानव जीवन में प्रकृति में संतुलन बनाने वाले ग्रह माने जाते हैं। एक ओर शनि की चाल सबसे धीमी है, शनिदेव जिस भी व्यक्ति के ऊपर प्रभावी होते हैं उस व्यक्ति को परोपकारी, जानवान, धैर्यवान बनाते हैं, कई भूमि, कई भवन और कई वाहन का मालिक बनाते हैं, जनता से जुड़े हुए कामों में सफलता दिलवाते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में मान सम्मान शनि के शुभ होने पर ही देखने के लिए मिलता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति जो है वो वैवाहिक जीवन को शुभता देने वाले, संतान प्रदान करने वाले, प्रेम जीवन देने वाले, धन वैभव और मान सम्मान देने वाले ग्रह भी माने जाते हैं और गुरुदेव बृहस्पति भी श्रेष्ठ ग्रह माने जाते हैं। जो यह नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इस नक्षत्र के अंतर्गत जो होता है सूरवीरता आती है, आशा आती है, आत्मनिर्भरता, आर्थिक निर्भरता, समझदारी, न्याय, कर्मठता, ये सभी लक्षण जो हैं ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लक्षण है। तो इस नक्षत्र में शनि प्रभावी होकर कैसा प्रभाव देंगे, अब आइए हम आपको जानकारी देते हैं। ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कन्या राशि वाले जातकों, शनिदेव 7 अप्रैल 2024 को आपके राशि के छठवें भाव पर प्रभावी होने वाले हैं और गुरु के नक्षत्रों में संचरण करके गोचर करने वाले हैं। सबसे पहला बदलाव आपके जीवन में क्या आएगा, सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आप लोग अपने जीवन में सुख के और सकारात्मक बदलाव का अनुभव करने में सफल रहने वाले हैं। पिछले कई महीनों से कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर ऐसी ग्रही स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि अष्टम भाव पर पहले गुरु चांडाल योग का प्रभाव बना रहा, उसके पश्चात कन्या राशि वाले जातकों के प्रथम भाव पर केतु, सप्तम भाव पर राहु और अष्टम भाव पर काफी लंबे समय तक गुरु की मौजूदगी बनी रही। तो कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में मेहनत तो ज्यादा किए, लेकिन आप लोग अपने जीवन में जो निरंतरता के साथ संतोषजनक परिणाम की संभावना होती है, ये सभी चीजें आप अपने जीवन में नहीं पा पाए। तो शनिदेव गुरु के नक्षत्रों में जाएंगे तो जहां व्यापारिक उपलब्धि आपको देंगे, वहीं कर्म क्षेत्र के मामले में भी आपको जबरदस्त सफलता इस समयावधि में देने जा रहे हैं। कन्या राशि वाले जातकों, लंबी बीमारियों से आपको निजात मिलेगा। 7 अप्रैल 2024 के पश्चात गुरु के नक्षत्रों में प्रभावित शनि
कर्जों से आपको निपटारा दे सकते हैं। देखिए, यदि आपके जीवन में पिछले समय से ही यानी लंबे समय से कोई कर्ज बना हुआ है, क्योंकि गुरु आपके अष्टम में विराजित हैं, तो निश्चित ही बहुत सारे कन्या राशि वाले जातक कर्ज की वजह से काफी परेशान हैं, तो शनि आपके जीवन में आपको कर्जों से निपटारा करवा सकते हैं, कर्जों से निजात आपको देने वाले हैं। वर्तमान में शनि नौकरी पेशा जातकों के जीवन में उन्नति देने वाले हैं, नौकरी पेशा जातकों को कन्या राशि को श्रोता देने वाले हैं, और खास तौर से ऐसे कन्या राशि वाले जातक जो वर्तमान में गुरु जनित क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे यदि आप संपादक हैं, टीचर हैं, वकालत का काम करते हैं, जज हैं, तो वर्तमान समय में कथावाचक, मठाधीश, पुजारी या किसी प्रकार का कोचिंग सेंटर चलाने का काम करते हैं, ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, तो यह समय आपके जीवन में निश्चित मानिए आपको शुभता देगा और उपलब्धि भी देने वाला है। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले अविवाहित जातकों के लिए, ऐसे जातक जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए शनि देव जो गुरु के नक्षत्रों में प्रभावी हैं, तो शनि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं और सिक्स हाउस पर बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित हैं, तो जो यदि आप अविवाहित हैं तो आपको नए वैवाहिक प्रस्ताव भी देने वाले हैं। और इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातक गुरु के नक्षत्रों में प्रभावित शनि के प्रभाव से आप अपने जीवन में भौतिक सुखों को अर्जित कर सकते हैं, यानी आप लोग अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन यदि आप लेना चाहते हैं, इन सभी चीजों में आपको शुभता इस परिवर्तन से आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकती है। इस प्रकार का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। कन्या राशि वालों, अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, देखिए शनि देव प्रकृति में संतुलन बनाए रखने वाले ग्रह माने जाते हैं, तो यहां पर आपको सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में आपको गलत नहीं सोचना है, अहित नहीं सोचना है, अन्यथा आपके जीवन में समस्याएं आपको मिलेंगी और आपको चुनौतियां भी मिलेंगी। ना तो आपको मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी का नुकसान करना है, ना मन में सोचना है। जब आप मन से सोचते भी हैं तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी काफी ज्यादा हावी होती है और ग्रहों का भी दुष्प्रभाव आपको मिलता है। वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों को सबसे बेहतरीन गौ सेवा करना, गाय को हरे चारे का प्रबंध करना आपके लिए शुभ रहने वाला है। यदि आप गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में श्रेष्ठ बनेगी। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।